जिया राम जी कहते हैं खेल तमाशा जाकर सारी रैन कमाए। तो कहने का मतलब ये है आज की टाइम का कोई शो फिल्म लगा देते हैं लोग कितने एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, खेल तमाशा जाकर सारी रैन कमाए, पूरा रात देखते रहते हैं और सतरी सिकत में जापते न तन नींद घने रहा, सत्संग में जाते थोड़ा उसको आलस आ जाता, थकान आ जाती है और सो जाते। सतगुरु कहीं समझावे रस्ते क्यों नहीं आवे, मांस मती खाए हुए मतवालो, दारू पीता है मीट खाता है और दूध मचा, मांस मती खाए हुए मतवालो दूध मचा, मात पिता से करे लड़ाई इतना शर्म नहीं आती। वो बाजार में दारू पी के घर पे आता है मात पिता से लड़ाई करना कर जाओ, अरे मैं आपका मम्मी पापा होता हूँ, नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए चले जाओ यहाँ से। तो ऐसा टाइम की बात बताइए जी आराम। तो अब कबीर साहब का वजन है तो कहने का मतलब ये है तेरो राम हृदय मई बाहर क्यों भटके, ऐसा ऐसा गिरत दूध में कही जाए, घी तो दूध में निकलता है पर जैसे गाय को दूध जैसे निकलता है वैसे दूध में घी नहीं निकलता, उसको गर्म करना पड़ता है फिर ठंडा भी करना पड़ता है, उसमें कुछ वो खटास में जमान डालना पड़ता है, फिर उसको मक्खन करना पड़ता है, मक्खन आता है, मक्खन को ता तपा के जैसे कुछ भी काम करना है तो उसको रुचि से तमन्ना से आत्मा से और करना चाहिए तो वो भी। Thank you.
Oh,
ऐसी मछली है जो कि पानी में रहते हुए भी प्यासी है। जी जलती विरहणी देख के मोरा साई आवे धाम, ए जी प्रेम बूंद छिटकाई के मोरी जलती ले हाँ संतों पानी
और जो कोई इसको दूर बतावे। हाँ जो कोई उसको दूर बतावे, जग है दो दिन का मेला, संतो भाई सब चला चली का खेला। इसको याद करते रहना कितना जरूरी है। अरे लकड़ी कहे लुहार से रे रे रे, अरे तू का जारे मो, और एक दिन ऐसा आएगा रे रे रे, रे मैं जानूंगी तो चला चली का खेला। तब चला चली का खेला जी, तब चला चली का खेला। सब चला चली का खेला, सब चला चली का खेला। सब चला चली का खेला, जीरो दिन का है जुगमा मेला। सब चला चली तो दिन चाहे जोग मारे मेला, सब चला चली का खेला। पर पाप का पट चल माया, लाख करोड़ कमाया जी, कब पाप का पट चल माया। धन लाख करोड़ कमाया जी, संग चले
चला चली डागेरा, संग चले नहीं रे कंधेला रे, सब चला चली डागेरा, दो दिन काहे जोग मार मेला, सब चला चली डागेरा। तेरे मात पिता रे संग भाई, तेरे अंत तुहार एक नाही, तेरे मात पिता रे संग भाई, अरे अंत तुहार एक चला चली डागेरा, उड़ जावे गहन अकेला रे, सब चला चली डागेरा, दो दिन काहे जोगमा मेला, सब चला चली डागेरा। आखिर में ये ध्यान रखना कितना जरूरी है कि सब कुछ मिट जाने वाला है, कुछ चीज परमानेंट है ही नहीं है। नश्वर सब संसारा, कर भजन प्रभु का प्यारा, नश्वर सब संसारा, कर भजन प्रभु का प्यारा रे, ब्रह्मानंद कहे रे सुन चेला, सब चला चली डागेरा, ब्रह्मानंद कहे रे सुन चेला, सब चला चली डागेरा, दो दिन काहे जुगमा मेला, सब चला चली डागेरा, दो दिन काहे जुगमा मेला, सब चला चली डागेरा। राम राम ज्ञान की, अरे समझ दे कि मनमाई, अरे बिन साखी संसार का ये झगड़ा झूठ नाई। जैसे कल कालू राम जी बता रहे थे कि अगर संत ना होते जगत में तो जल मरता इंसान, बिल्कुल सही बात है। दई सत गुरु जी ने ज्ञान की गरिया दई, गुरु जी ने जान की दरिया दई, बाजरिया तुम्हारे लागे जो प्यारी, हाँ बाजरिया तो घड़ी लागे लागे प्यारी, हाँ अमृत रस से भरी हो गोरा जी ने
धीरे धीरे ज्ञान की दई बंगलोरे ताबिच गुप्त रही ओ जाएगा
हंस अकेला, हंस अकेला, जग दर्शन का मेरा, जग दर्शन का मेरा, जग दर्शन का मेरा, जग दर्शन का मेरा। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, हंस अकेला, हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरुवर से, जैसे पात गिरे सरोवर से, मिलना बहुत दुहेरा, मिलना बहुत दुहेरा, ना जानूं किधर गिरेगा, ना जानूं गिरेगा, लग गया पवन सारे दा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, हंस अकेला, हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। जब होवे उमर पूरी, जब छूटेगा हुकम हुजूरी, जब छूटेगा हुकम हुजूरी, जम के दूत बड़े मजबूत, जम के दूत बड़े मजबूत, जम से पड़ा झमेरा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, हंस अकेला, हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। दास कबीर हर के गुण गावे, दास कबीर हर के गुण गावे, बाहर को बात बतावे, बाहर को बात बतावे, गुरु की करे जाएगा,
करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी receiving this evening so far, which is sitting down and meditating. And now I'd like to invite you, if you feel, to receive it the other way, which is getting up and seeing what the body wants to do, seeing if you might want to dance, and seeing if the music dances you. That's the invitation. और उसको फिर कैसे पाया? तुकाराम जी बोलते हैं कि तुका मांगे दान, तुका ने जस्ट पूछा,
व्यावे जी अनन्य उन्होंने दे दिया, उन्होंने ऐसे रिचेस दिए, ऐसे ब्लेसिंग्स दिए कि पूछने मत। जग सोगी जग सोगी जाग जाग बोलती, जग सोगी जग सोगी जाग जाग बोलती, जग सोगी जग सोगी जाग जाग बोलती, जग सोगी जग सोगी जाग जाग बोलती। पुष्प
Thank you.
अज्ञानता से छुटकारा कैसे Yeah.
नमस्ते, गुड इवनिंग. वी वेरी थैंकफुल टू गोपाल भाई, द एंटायर राजस्थान कबीर यात्रा टीम, शिशिर भाई, टू मेक दिस लवली इवेंट हैपन. थैंक यू वेरी मच. इट्स अ लीज ऑफ गुड एंड पॉजिटिव होप that things will open up and life will be back to normal. आज हम सोच रहे थे कि क्या करें, और because we have about 5 or 6 pieces that we do together, Himanshu bhai and I, so we thought we'll do one from each. It's a medley, a dastan musical, kissa musical medley. ये किस्सों की कहकशां है जो भी आपके सामने जरवा फरोज होगी. कल तो असल में हमने मन की बात की, क्योंकि जब हम सुना रहे थे तो हमें सामने अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था. तो कल तो मन की बात हो गई, आज जन की बात हो जाए. जन से आशा है कि जब हम सुनाए तो किस्सा, तो शास्त्र कहता है किस्से का कि दो लोग होने चाहिए, एक सुनाने वाला एक सुनने वाला. और सुनना भी किस्से में या किस्सा गोई में परफॉर्मेंस है, तो सामईन भी एक तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं जब वो किस्सा सुन रहे होते हैं. उनकी भी शिरकत जो है वो अभिन्न अंग है इस परंपरा. तो सुने, और ये वी वुड लाइक टू थैंक इमामुद्दीन साहब फॉर अकॉम्पनिंग अस इन द जुलूस, सुशील भाई ऑन परकशन, और मीर बसु साहब हारमोनियम. तुलसी, 7 साल के तुलसी, जिनका बचपन का नाम रामबोला था, एक हलवाई की दुकान के बाहर खड़े थे नाली के करीब. और दुकान में जो मिठाइयां थी उन्हें टुकुर टुकुर देख रहे थे. बचपन घोर विपन्नता में बीत रहा था. हलवाई ने जब उन्हें देखा तो अपने नौकर से पूछा कि कौन है ये. जब ने बताया कि महाराज भाई अमंगल है राजापुर का, हलवाई बोला भगाओ इसे, भगाओ, कहां से आ गया. एक ग्राहक जो था उसे तुलसी से, उस बच्चे से कुछ हमदर्दी पैदा हुई. उसने कहा बच्चा है, खड़ा है, खड़ा रहे तो तुम्हारा क्या ले रहा है. नौकर बोला बच्चा नहीं है, घोर अमंगल है, पैदा होते ही मां को खा गया, फिर बाप को निगल गया, फिर एक दाई ने पाला उसे भी नहीं छोड़ा, फिर एक औरत और ले गई वो भी नहीं रही. समझ लो कि जिस पे इसकी छाया पड़ी वो बचा नहीं, तबाह हो गया. अब इस बयान से वो ग्राहक घबराया. उसने कहा अरे बाप रे बाप, मनुष्यत की ऐसी कहानी, भाई गलती हुई, तुम्हें कहा बचाने को, भाग चल भाग. नौकर और हलवाई हंसने लगे. नौकर ने एक जोरदार लात तुलसी के मारी, 7 साल का तुलसी नाली में गिर गया. गंदा तो पहले से ही था, तो मजीद गंदा क्या होता. रोने लगा, चोट लग गई थी, धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ा. आगे कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे, अच्छे घरों के लकदक कपड़े पहने. तुलसी ने सोचा खेल नहीं सकते हैं, खेल तो देख सकते हैं. पास जाकर खड़ा हुआ, गिल्ली तुलसी के पास आई, उसने उठाकर एक बच्चे को दी, लो भैया. उस बच्चे ने एक धक्का मारा, तुलसी दोबारा जमीन पर. घिनौना, हमारे साथ खेलेगा, जरूरत कैसे हुई. बाकी साथी आ गए, तुलसी को पीटना शुरू कर दिया. अमंगल कहीं का, औकात कैसे हुई हमारे साथ खेलने की, दूर से गंधाता है, घिनौना. तुलसी का बचपन जिस गरीबी में कटा था, उसकी छाया उनकी जात पर हमेशा रही. आचार्य विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी कहते हैं कि तुलसी का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा त्रस्त गरीबी और विपन्नता से रहा, और इसीलिए तुलसी बार बार अपने राम को गरीब नवाज कहते हैं.
दीन बंधु कहते हैं। राम जो गरीबों को विपन्नता से उबारते हैं। तुलसी मार्मिक से मार्मिक प्रसंग में भी इस निर्धनता इस गरीबी को नहीं भूले। मगर इन्हीं तुलसी की कविता की एक छटा देखिए। तुलसी जो अपने आराध्य प्रभु श्री राम की बाल्य अवस्था का उनके बाल रूप का वर्णन करते हैं, तो जैसे अपने बचपन की सारी गरीबी सारी विपन्नता सारे तिरस्कार सारी वंचना को भुला देना चाहते हैं। तुलसी ने गरीबी की चक्की में पिसते हुए जो कुछ झेला था उससे निजात पाने के जितने स्वप्न देखे थे उन सारे स्वप्नों की शिद्दत हमें इस पद में दिखाई देती है। जब तुलसी राज दुलारे दशरथ नंदन श्री राम के बाल रूप का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र चलत रामचंद्र।
किसी तरह कबीर को परेशान किया जाए। एक दिन पहुंच गया कबीर की कुटिया पर। कबीर उस वक्त कपड़ा बुन रहे थे, ये तलवार लेकर गया था, सोचा था कबीर को डराएगा। कबीर तो खैर क्या डरते। इस आदमी ने एक चादर उठाई, कबीर से पूछा कितने की है? कबीर ने कहा 10 रुपए की। रुपया जीतल जो भी उस जमाने की मुद्रा थी। कबीर बोले 10 रुपए की है।
इसने तलवार से वो चादर आधी आधी काट दी, एक टुकड़े को उठा के पूछा आप कितने की बची? कबीर बोले 5 रुपए की। इसने उसे एक टुकड़े में से भी 2 टुकड़े बनाए, बोला आप कितने की बची? तो इसी तरह से ये आदमी चादर को 2 टुकड़ों में बांटता गया और हर टुकड़े का दाम पूछता गया। आखिर को जब वो चादर तार तार हो गई तो ये बोला कि अब मैं ये नहीं लूंगा, अब तो ये मेरे किसी काम की नहीं बची। कबीर बेनियाजी से मुस्कुराए, बोले अब तुम्हारे तो क्या, ये किसी के काम की नहीं बची। अब इस आदमी को बात चुभ गई, बोला कितने का नुकसान हुआ है मुझे बताओ, मैं पूरा कर दूंगा। कबीर बोले तुम्हारे बस की नहीं है, तुम अपना रास्ता लो। ये बोला क्यों, मुझे बताओ, मेरे पास बहुत पैसा है। कबीर बोले कि तुम इसका मोल चुकाओगे? जरा सोचो, एक किसान ने कितनी मेहनत की होगी तब कपास को उगाया होगा, कपास से सूत बनाने में कितनी मेहनत, कितनी लगन, कितना समय लगा होगा, सूत से चादर को बनाने में कितना समय, कितनी मेहनत लगी होगी, चादर को रंगने में कितना समय, कितनी मेहनत, कैसी भावना लगी होगी, और तुम पैसे से इस भावना, इस मेहनत, इस समय का मोल चुकाओगे? अरे इसका मोल तो तब चुकता जब ये चादर किसी जरूरतमंद के काम आती। अब वो आदमी शर्मिंदा हो गया, कबीर से माफी मांगने लगा, कहने लगा आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं अब कभी पैसे का घमंड नहीं करूंगा। कबीर बोले कि अगर आज मैं तुमसे पैसे ले लेता तो मेरा नुकसान तो पूरा हो जाता, मगर तुम्हारा जो नुकसान होता तुम उससे जिंदगी भर उबर नहीं पाते। चादर तार तार हुई तो दोबारा बनाई जा सकती है। जीवन अनमोल है, एक ही बार मिलता है। जीवन की चदरिया अगर तार तार हुई तो दोबारा नहीं मिलने की, इसलिए जीवन की चादर में घमंड की तलवार लगने से बचाओ। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दी, जीवन की चादर को घमंड की तलवार लगने से बचाओ और राम का सुमिरन करो। भजोरे भैया राम गो
कबीर से मिलने जा रहे थे, बड़े खुश बड़ी उमंग में। पीर यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया, खुसरो बड़े खुश थे, मुलाकात के ख्याल से ही बहुत खुश थे। रास्ते में देखा कि हिंदू भक्तों की टोलियां चली आती हैं, पीले कपड़े पहने हुए, हाथ में ताजा खिले सरसों के फूल लिए। खुसरो को ये रंगारंगी बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने एक भक्त को रोका, उससे पूछा, भाई माजरा क्या है, ये रंगारंगी क्यों? उसने बताया कि आज बसंत पंचमी है, आज के दिन हम लोग पीले कपड़े पहनकर ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, उनके कदमों में ये पीले फूल चढ़ाते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें इल्म से नवाजा। खुसरो को ये बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने एक भक्त से पीले कपड़े मांग लिए, कुछ फूल मांग लिए सरसों के, कपड़े जेब तंग किए, फूल हाथ में लिए और उमंग से झूमते हुए दीवानों की तरह मस्ती में अपने पीर के पास पहुंचे। हजरत उन दिनों कुछ चिंता में थे, मगर जब खुसरो का ये आलम देखा तो हैरानी के साथ पूछा, खुसरो क्या माजरा है? खुसरो ने फरमाया कि आज के दिन हिंदू लोग इल्म की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, पीले कपड़े पहनकर पीले फूल चढ़ाकर शुक्रिया अदा करते हैं कि देवी सरस्वती ने उन्हें ज्ञान से नवाजा। सो मैं आपके कदमों में ये पीले फूल रखने आया हूं, क्योंकि मुझे आपने इल्म की दौलत से मालामाल किया। हजरत बहुत खुश हुए, खुसरो गाने लगे, सकल बन फूल रही सरसों। हिंदवी कलाम का एक अद्भुत नमूना, वो हिंदवी कलाम खुसरो जिसके बानी है, सैकड़ों साल पहले उन्होंने जो कहा उसकी तासीर आज तक महसूस होती है। सुनिए, सैकड़ों साल पुरानी एक तखलीक जिसमें खुसरो औरत के दर्द का, उसके कर्ब का बयान कर रहे हैं। वो औरत जो कभी लड़की होती है, फिर उसे शादी करके ससुराल जाना पड़ता है। खुसरो का हिंदवी कलाम, काहे को ब्याहे विदेश, काहे को ब्याहे विदेश। Thank you.
बिस्मिल की बूढ़ी मां
उनसे मिलने के लिए अकेले सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके शाहजहांपुर से गोरखपुर जेल आ गई थी। वो बूढ़ी औरत जिसने कभी शाहजहांपुर से बाहर कदम नहीं रखा था, अपने बेटे से मिलने अकेले चली आई थी इतनी दूर। बिस्मिल जो काकोरी एक्शन के नेता थे, जिनकी मजबूती की मिसाल दी जाती थी, जिनका इरादा अटल था, जिन्हें कभी किसी ने पूरी कार्रवाई के दौरान परेशान नहीं देखा था, जिनके माथे पर एक शिकन नहीं देखी थी, जब उन्होंने देखा तो पहली बार उनकी आंखों में आंसू आ गए। चट्टान से मजबूत बिस्मिल पहली बार रोने लगे, मगर वो बूढ़ी मां उसका हौसला देखिए कि जब उसने बिस्मिल को रोते हुए देखा तो अपने तेवर कड़े किए और बिस्मिल से बोली, मैं बाहर सबसे कहती हुई आई हूं कि कल देखना मेरा लाल, मेरा राम प्रसाद कैसा हंसता हुआ फांसी पर चढ़ता है और तुम यहां रो रहे हो। मैं तो समझती थी बड़ा बहादुर है मेरा बेटा। बिस्मिल ने जब मां के ये शब्द सुने तो किसी तरह खुद को संभाला, अपने आंसू पोंछ लिए और फिर बोले कि मां मैं फांसी के डर से नहीं रो रहा, ये आंसू तो ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी मुझे इसी बहादुर मां का बेटा बनाना। Go ahead.
सूरत शब्द में ला भया दिखने में कुछ ना
कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, ना ही किसी से दोस्ती ना ही किसी से बैर। राम राग का रूप है, राम राग का और राम राग के माही ऊंधा से सूंधा करे दिखने में कुछ ना। जो तिल माही तेल है, जो तिल माही तिल है, हो 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 हो, जो तिल माही तेल है वो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में बसे जाग सके तो जा। साई अपने अंदर बसता है, जब भी इंसान चाहता है उसको जगा सकता है। तो क्या कहा है कबीर जी ने, साचा साहेब एक तू साचा साहेब एक तू साचा साहेब बंदा तेरा आशिक है, बंदा तेरा आशिक है, साचा साहेब this is
क्या कहते हैं, ओला
माँ को नाम कभी सुनता नहीं धुन की खबर अनहद का बाजा बाजे
मंदिर झरो की रावती फूल चम